मेरे भाई जीवन बना लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बीमारी से बचना है तो, क्योंकि इसमें बीमारी के बारे में बताई जाती है। सवाल नंबर एक, पोलिया की बीमारी क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, जो लोग बचपन में पपीता जो है वो नहीं खाते हैं, उन्हीं लोगों को पोलिया की बीमारी होती है। इसीलिए पका पपीता जो है उसको खूब खाना चाहिए। पका पपीता नहीं खाने के कारण पोलियो की बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए बाजार से आप लोग अच्छा पपीता लाइए और उसको धो करके सुबह या शाम को जरूर खाएं दोस्तों। सवाल नंबर दो, पेट भारी भारी सा रहता हो तो किस चीज़ का सब्जी खाना चाहिए कि पेट जो है वो अच्छा हो जाए? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, गोल वाला बैगन का दावा बनता है। सब्जी खूब खाना चाहिए उसको बना करके। गोल वाला बैगन से सभी बीमारी जो है वो नष्ट हो जाती है, और जो बैगन है उससे दाद, खाज, खुजली होने की संभावना बना रहता है दोस्तों। सवाल नंबर तीन, दामा का दौरा हो जाए तो तुरंत कैसे ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, रोगी को गर्म पानी में थोड़ा सा आयोडीन नमक आधा चम्मच डालकर पिलाने से तुरंत ठीक हो जाता है, और परहेज ठंडा सामान का करना पड़ेगा। कभी भी दामा का दौरा पड़ जाए तो आयोडीन नमक जो है आधा चम्मच लेना है, और आधा गिलास पानी जो है वो सुसुम करना है, और उसमें मिला करके तुरंत देना है। आधा से घंटे में उसको एकदम दामा का दौरा जो है एक दो बार देने से तुरंत राहत मिलेगी दोस्तों। सवाल नंबर चार, अच्छा लड़का कब बन जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, अच्छा पढ़ाई करने से सुंदर लड़का बन जाता है। इसीलिए बच्चे लोगों को अच्छा से अच्छा स्कूल में नाम लिखवाइए, और ट्यूशन जो है वो खूब कराइए, क्योंकि ट्यूशन कराने से जो है वो बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। इसीलिए दोस्तों अच्छा पढ़ाई कराइए बच्चे लोगों को, और शिक्षित और सुंदर बनाइए। सवाल नंबर पाँच, पेट में अनपच क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, लीवर के कमजोर होने से इसीलिए पपीता खूब खाना चाहिए, और खिचड़ी हफ्ता में दो तीन बार खूब खाना चाहिए, नहीं तो बार बार लेटिंग लगती है, समझ जाइए कि लीवर जो है वो खराब हो गया है। इसीलिए खूब पपीता खाना चाहिए, और खाना जो है वो अच्छा से अच्छा खाना चाहिए, और खिचड़ी जो है वो खूब खाना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी खाने से पेट की जितनी गंदगी है वो पूरा रोज के रोज साफ होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को खूब सुंदर लगती होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई की, ऐसी जानकारी हमेशा आप लोग तक पहुँचती रहे।